उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता प्रदेश का विकास नहीं बल्कि अपने मंत्रियों को फायदा पहुंचाना है। मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने प्रदेश की मोहन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम लेकर कुछ लोग ट्रांसफर पोस्टिंग का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की प्राथमिकता मध्य प्रदेश का विकास नहीं बल्कि अपने मंत्रियों को फायदा पहुंचाना है, जो कि नई गाड़ी नए बंगले के रूप में हमें देखने को मिल रही है। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष का एक एक विधायक सवाल पूछने के लिए तैयार है। 3 तारीख को सरकार बजट पेश करेगी और 3 तारीख को ही स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सारे सवाल पूछे जाएंगे। नर्सिंग घोटाले के दौरान तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग किसी भी हाल में बचने वाले नहीं हैं। हम सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उस नाते मुझे उनकी चिंता भी है। उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं कुछ लोग सरकारी गलियारों में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे, उनके नाम से अनाप शनाप पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की सहमति नहीं होनी चाहिए। और यदि ऐसा है तो मुख्यमंत्री जी को इसकी सघन जांच करवानी चाहिए, इन लोगों की भी, और उनके मोबाइल सीडीआर सब चीजों की जांच करवा के इस चीज को जाहिर करना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये चाहे मीडिया के गलियारों में या सत्ता से इर्द गिर्द जितने जुड़े हुए लोग हैं उन गलियारों में ये नाम गूंज रहे हैं। बस इतना है, कोई कह नहीं पा रहा था तो वो कार्य मैंने किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।